ध्यान रखना कि जब भी हमें 800 मीटर की आपको तैयारी करनी है तो वेट ट्रेनिंग जरूर करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग करने के लिए आप टायर का यूज कर सकते हो या फिर थ्रू यूज कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग से यह हुआ कि आपको जो पुलिस वाले खास कर ध्यान रखें कि जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं स्पेशल। जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी रिटायर्ड। आज का स्पेशल है कि 800 मीटर रनिंग के अंदर दौरान आपके मसल्स को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। इसके जरूरी है कि 800 मीटर जो आप तैयारी कर रहे होगे उसमें आपके मसल मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने अपने जो 800 मीटर का वर्कआउट प्लान बना आपको जो डाला था मैंने पिछली वीडियो के अंदर, उसमें मैंने डाला था कि वेट ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपके जो मसल्स होते हैंगे वो मजबूत हो जाते हैंगे। तो मसल को मजबूत करने के लिए आप सप्ते में शुरू के आप दो या तीन वीक में आप एक वीक में आपको क्या करना है, आपको दो बार मतलब दो डे आपको चुनने हैं जिसके अंदर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग के लिए आप टायर का यूज कर सकते हो, टायर को आप यूज कर सकते हो कि इस प्रकार से रस्सी बांध के, एक रस्सी चाहिए इस प्रकार बांधना है और एक ट्यूब चाहिए इस प्रकार से आप जिससे क्या यहाँ ट्यूब को बांध लो जिससे क्या आपकी कोई कमर आपकी क्या यहाँ पर चोट ना आए। वेट ट्रेनिंग से आपका होगा क्या, आपके हाथ मजबूत होंगे, आपकी थाई मजबूत होगी जिससे ये मजबूती के होने कारण, और दूसरा होगा कि आप जब रनिंग करते समय रनिंग जब आप कर रहे होगे आपकी बॉडी किस प्रकार से डाउन होगी, झुकी होगी, क्योंकि वेट पीछे लगा हुआ ऑटोमेटिक कुदरती आपकी बॉडी झुक जाएगी। और जब वेट आपको रनिंग करने नहीं देगा तो आप क्या करोगे, हाथों का मूवमेंट बहुत अच्छा करोगे और ये मूवमेंट कुदरती अच्छा होना जरूरी है। और जब मूवमेंट अच्छा होगा और आपकी लैंडिंग अपने आप आपकी लैंडिंग पंजे पे आ जाएगी, इस प्रकार से लैंडिंग आ जाएगी क्योंकि आपको आई खींचने के लिए वेट कैन आपको ये यूज करना पड़ेगा। अभी जब ये वेट ट्रेनिंग करेंगे मैं आपको चीज दिखाऊंगा कि हर बच्चे का डाउन क्या होगा, मूवमेंट डाउन होगा। ये इसका फायदा ये होगा कि आपके स्टेमिना पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वेट ट्रेनिंग जरूर करें, आगे आपको दिखाता हूँ वेट ट्रेनिंग। चलाओ चलाओ तेज चलाओ, थोड़ा तेज रखो, थोड़ा सा बस यहीं रखो, इतनी स्पीड पर रखो। जरूरी होता है जिससे मसल के अंदर जो जान आती है वो ही जैसी लाइन होती है। और आगे दिखा सकते हैं।